हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में आए बड़े बदलाव के बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ईवे बिल में बड़ा बदलाव हुआ है। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रूल 138E दिया गया था। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ईवे बिल बनाना होता है यदि व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई करता है और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है या नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, उस केस में यदि वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए CMP-08 स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो उसका ईवे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति रेगुलर टैक्स पेयर है और वह लगातार 2 महीनों के लिए रिटर्न फर्निश नहीं करता है तो उस केस में उसका ईवे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता था। यानी कि लगातार 2 महीनों के लिए वो GST 3B फाइल नहीं करता है तो वह ईवे बिल पोर्टल पर ईवे बिल नहीं बना सकता था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और क्लोज डाल दिया गया है, यानी कि यदि व्यक्ति कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर है और वह अपनी आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट किसी भी 2 महीने या क्वार्टर के लिए फाइल नहीं करेगा तो भी उसका ईवे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GSTR1 को फाइल नहीं करेगा 2 महीनों के लिए या फिर क्वार्टर के लिए तो उस केस में उसका ईवे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, पहले GSTR3B को ना फाइल करने पे या CMP8 को ना फाइल करने पे ही ईवे बिल ब्लॉक होता था। अब यदि आप GST1 फाइल नहीं करेंगे तो भी ईवे बिल ब्लॉक किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का ईवे बिल बनाना ब्लॉक किया गया है वह कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए उसे सफिशिएंट ग्राउंड देने होंगे कि उसने रिटर्न क्यों नहीं फाइल की, जिसके बाद के कमिश्नर अलाउ कर सकता है कि वह ईवे बिल बना सकता है और इसके लिए वह कंडीशन लगा सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में कमिश्नर रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन, लेकिन इसके लिए उसे टैक्सपेयर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी हियरिंग के लिए और उसके बाद ही यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कमिश्नर का मतलब है जुरिडिक्शनल कमिश्नर, जहाँ पे के टैक्सपेयर रजिस्टर्ड होता है। यदि स्टेट या फिर यूटी का कमिश्नर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा या ग्रांट कर देगा तो उसे भी माना जाएगा कि सेंट्रल GST एक्ट के अंतर्गत भी कमिश्नर ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, एक और बदलाव आया है, जिन व्यक्तियों का GST नंबर GST ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है वो उसे रिवोक कर सकते हैं। लेकिन ये किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में GST पोर्टल पे बताया गया है। फ्रेंड, जिन व्यक्तियों का GST नंबर GST ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है 12 जून 2020 से पहले, वह GST पोर्टल पर उसे रिवोक करवा सकते हैं, यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जुरिडिक्शनल अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल करनी होगी अपील। इसके लिए उन्हें GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, रिस्टोर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रिस्टोर रेवोकेशन पर क्लिक करके उन्हें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ऑर्डर का डालना है और जो स्कैन कॉपी है ऑर्डर की उसे डालना है और उसके बाद अपील इन फेवर पे क्लिक करके रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। फ्रेंड्स, अगला बदलाव हुआ है GST की कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। फ्रेंड, GST एक्ट का सेक्शन 10 ये कहता था कि GST की कंपोजिशन स्कीम या तो मैन्युफैक्चरर ले सकता है या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है या फिर जो व्यक्ति ट्रेडर होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड करता है वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता था। फ्रेंड्स, अब सेक्शन 10(2)(a) को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है और वो सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो इस स्कीम के अंतर्गत GST पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि उन्हें 3% CGST और 3% SGST पे करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, यानी कि व्यक्ति ऐसी गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता जिसपे के GST ना लगता हो
वह इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स और सर्विस की, वह ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई नहीं कर सकता जिसे के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना होता है, या फिर वो ऐसी गुड्स का मैन्युफैक्चरर ना हो या ऐसी सर्विस का सप्लायर जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी ये स्कीम नहीं ले सकते। यदि किसी व्यक्ति के मल्टीपल बिजनेस हैं, उसने मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए हैं, तो उसे सभी बिजनेस के लिए यह स्कीम लेनी होगी, अदरवाइज़ वो ये स्कीम नहीं ले पाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए रूल 7 दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सेक्शन 10(2)(a) के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है, तो उस केस में उसे 3% CGST और 3% SGST जो वो सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज की, उसके GST पे करना है। फ्रेंड, GST की रिटर्न फाइलिंग में भी बदलाव किया गया है GST एक्ट में। फ्रेंड, यदि कोई कंपनी है जो कि GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसे अपनी रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करनी होती थी, लेकिन 21 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के केस में वे अपनी GSTR3 भी और GSTR1 इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकती है। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्सपेयर की GSTR3B या फिर GSTR1 में कोई डेटा नहीं है, वो नील रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उस केस में वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS के द्वारा नील रिटर्न फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, अगला जो चेंज आया है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से रिलेटेड GSTR3B में। फ्रेंड्स, रूल 36 CGST रूल ये कहता था कि यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है, तो उस केस में रिसिपियंट GSTR2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, उसमें से जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 10% अमाउंट ही मैक्सिमम क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट 60,000 का है और GSTR2A में 80,000 का आ रहा है। आपको इसे बाइफरकेट करना है, इसमें से इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट 30,000 है और एलिजिबल 50,000 है। फ्रेंड्स, आप इस 50,000 को तो पूरा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एलिजिबल ITC 60,000 था, लेकिन 50,000 ही GSTR2A में आ रहा है, तो यहाँ पे सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है 10,000 की, तो इस 10,000 को आप पूरा नहीं क्लेम कर सकते ITC। जो 50,000 पीज है, इसका 10% ही यानी कि 5,000 और क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल ITC आप 55,000 ही क्लेम कर सकते हैं GSTR3B में। फ्रेंड्स, यदि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं की गई है, तो उस केस में 8 अक्टूबर 2019 तक तो आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी, लेकिन 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक आप एलिजिबल ITC का 20% ही क्लेम कर सकते थे। 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के लिए आप एलिजिबल ITC का 10% क्लेम कर सकते थे, और 1 फरवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 के लिए इस रूल में चेंज किया गया है, यानी कि आप एलिजिबल ITC का 10% ही क्लेम कर सकते हैं यदि सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है। लेकिन ये कंडीशन कम्युलेटिवली देखी जाएगी फरवरी से अगस्त 2020 के लिए, जब आप सितंबर 20 के लिए GSTR3B को फाइल करेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप आज की डेट में फरवरी से अगस्त 20 के लिए पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, भले ही सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि जब आप सितंबर 20 के लिए GSTR3B फाइल करेंगे, उस डेट तक आपका सप्लायर GSTR1 इन टैक्स पीरियड के लिए अपलोड कर दे। फ्रेंड्स, अगला बदलाव GST एक्ट के अंतर्गत लेट फी से रिलेटेड किया गया है। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्सपेयर ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए GSTR3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है और वो 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल कर देगा, तो उस केस में उसे कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि उसका नील टैक्स पेबल है, लेकिन यदि उसका सेंट्रल टैक्स पेबल है, तो उस केस में 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर रिटर्न की ही लेट फीस लगेगी। फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यदि आप GSTR1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, तो उस केस में भी लेट फीस को वेव किया गया था। यदि आप इन स्पेसिफाइड डेट तक GSTR1 को फाइल कर देते हैं इन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो जनवरी से मार्च 20 के लिए 17 जुलाई 2020 तक फाइल कर देंगे और अप्रैल से जून 20 के लिए 3 अगस्त 2020 तक फाइल कर देंगे GSTR1, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी।
लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इन एक्सटेंडेड डेट तक भी GST-1 को फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxileather@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे के जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।